आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में होगा दशहरा का सेलिब्रेशन, जिसमें आप देखेंगे कि शौर्य और राजवीर अपनी अलग लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर शौर्य कहने वाला है राजवीर से कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम कोई भाई भाई नहीं है, इसलिए तू मुझे छोटे छोटे और ये नए नामों से बुलाना बंद कर। राजवीर कहता है कि जो रिश्ता यूनिवर्स ने भेजा है उससे भला तुम कैसे मना करोगे। इधर जो नेहा है और जो निधि है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर निधि कहती है कि यानी कि रावण में दहन के वक्त आग शौर्य लगाएगा और वो रावण को जलाएगा तो प्रीता भी जल जाएगी। अब ऐसे में क्या शौर्य के ऊपर वो नाम आने नहीं देना चाह रही है इस हादसे का? क्या एंड टाइम पर ये प्लान में कोई चेंज होगा? प्रीता की जान खतरे में है, लेकिन क्या उसकी जान जाएगी या फिर नेहा और निधि मिलकर के अपने प्लान को चेंज करने के चलिए उसको निकाल लेंगे वहाँ से? क्या लगता है आपको? ये सारी तमाम जानकारी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उधर दूसरी तरफ पलकी के सर पर मार देने वाले हैं वही लोग चोट जो यहाँ पर प्रीता को किडनैप करके और रावण के पीछे बांध कर आए हैं। इतनी बुरी तरीके से वो मारने वाले हैं पलकी के सर में कि वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाएगी। अब क्या होगा शो की कहानी में आगे, कैसे बचेगी पलकी और प्रीता की जान, देखना होगा काफ़ी खास। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही शानदार एक्सक्लूसिव खबरों के लिए।